एवरीवन, वेलकम टू ओबली प्रेप्स। ओबली प्रेप्स में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज वैशाली सिंह और हम यहाँ करेंगे करंट अफेयर सेशन। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वन वीक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी इसमें इंक्लूडेड होंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे कमेंट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज के सेशन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला ह्यूमेनॉइड रोबोट फेडोर अंतरिक्ष में भेजा? इसका राइट आंसर होगा, आंसर बी इसका राइट होगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ईरान ने अपनी कौन सी नई रक्षा प्रणाली लॉन्च करी? इसका राइट आंसर होगा, आंसर ए इसका राइट होगा, बाबर 373। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डिस्कवरी इंडिया ने सुंदरवन को संरक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका राइट आंसर होगा, आंसर बी इसका राइट होगा, WWF। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा, आंसर ए इसका राइट होगा, 23rd August। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने पोषण अभियान पुरस्कार वितरित किया? इसका राइट आंसर होगा, आंसर ए इसका राइट होगा, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह घोषित किया? इसका राइट आंसर होगा, आंसर बी इसका राइट होगा, सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ICC ने जनरल काउंसिल और कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा, आंसर सी इसका राइट होगा, जोनाथन हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया? इसका राइट आंसर होगा, आंसर ए इसका राइट होगा, प्रभाकर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व तिरंगदाजी युवा चैंपियनशिप में कैडेट विश्व चैंपियन कौन बने? इसका राइट आंसर होगा, आंसर ए इसका राइट होगा, कोमालिका बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा, आंसर ए इसका राइट होगा, 26th August। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका राइट आंसर होगा, आंसर बी इसका राइट होगा, अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IoT इंडिया कांग्रेस 2019 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा, आंसर डी इसका राइट होगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्प्रिंग हिल नामक पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर होगा, आंसर ए इसका राइट होगा, इंटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया परियोजना का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर होगा, आंसर सी इसका राइट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारत में कितने CNG स्टेशन होंगे? इसका राइट आंसर होगा, आंसर बी इसका राइट होगा, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए शिक्षा TV लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा, आंसर सी इसका राइट होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एस्ट्रा राइफल संचार प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा, आंसर बी इसका राइट होगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेटीएम ने वित्त सेवा व्यवसाय में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? इसका राइट आंसर होगा, आंसर सी इसका राइट होगा, अमित नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली महिला फ्लाइट कमांड कौन बनी? इसका राइट आंसर होगा, आंसर सी इसका राइट होगा, शैलजा धमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र रसायन और ऊर्ध्वत मंत्री ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा, आंसर ए इसका नाम राइट होगा, जन औषधि सुगम। ये रहा हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब चीज बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे कमेंट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप सभी को मिल सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।